तो दोस्तों रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे सलमान खान, अब हुआ कंफर्म। जी हां, रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स पर आधारित फिल्म सिंघम अगेन। इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे ही नजदीक आ रही है, हर रोज फैंस को सरप्राइज मिल रहा है। इस बार दर्शकों को सिंघम अगेन में सितारों का मेला देखने को मिलेगा। एक नहीं कई सारे बॉलीवुड सितारे एक साथ नजर आएंगे, जिसमें से एक होंगे सलमान खान। चलिए जानते हैं फिल्म में सलमान खान का क्या रोल होगा। सिंघम फ्रेंचाइजी की आगामी किस्त में अजय देवगन डीसीपी बाजीराव सिंघम के रूप में अपनी भूमिका दोहराएंगे। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, जॉकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे कलाकार नजर आएंगे। एक नई रिपोर्ट की माने तो सलमान खान रोहित शेट्टी की आगामी निर्देशित फिल्म में शामिल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान ने अजय देवगन की इस बड़ी फिल्म में चुलबुल पांडे के कैमियो के लिए हामी भर दी है। सलमान खान सिंघम अगेन में वह दबंग सीरीज में अपने प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी की भूमिका इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे की भूमिका में नजर आएंगे। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि भूलभुलैया 3 और सिंघम अगेन में टकराव होने की वजह से इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार रोहित शेट्टी के निर्देशन की टीम इसके आधिकारिक रिलीज की तारीख के साथ आगे बढ़ रही है। सिंघम अगेन दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर 2024 को स्क्रीन पर आएगी। यदि हम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन की बात करें तो फिल्म का बजट इस बार काफी ज्यादा बताया जा रहा है। इसके साथ ही अजय देवगन ने भी फिल्म के लिए एक मोटी रकम ली है। इस बार सिंघम अगेन में अजय देवगन फिल्म के बजट का 20% हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि सिंघम अगेन का बजट 250 करोड़ है। इसका मतलब हुआ कि फिल्म के लिए अजय देवगन ने 50 से 60 करोड़ लिए होंगे। खैर, आप कितने एक्साइटेड हैं चुलबुल पांडे को सिंघम अगेन में देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।